ये हेनरी है। हेनरी पासी का एक गांव है रजोल, वहां से है। तो जैसे हम लोग रोज सुबह अपनी रोटी की भाग दौड़ में लग जाते हैं, ये लोग भी सुबह से खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो हेनरी ऐसे ही एक दिन खाना ढूंढ रहा था, इसे खेत में थोड़ा खाना दिखा, पर इसका दिन ठीक नहीं चल रहा था। इसे नहीं पता था कि खाने के साथ साथ वहां एक शिकंजा लगा है। क्या कि खेती को जंगली सुअर से बचाने के लिए लोग एक शिकंजा लगाते हैं। पहले तो इसलिए लगाते थे, अब लोगों को सुअर के मांस का चस्का लग गया है, इसलिए भी शिकंजा लगाते हैं। हेनरी इस शिकंजे में फंस गया। अब ये लोग जो है शिकंजा रोज रोज चेक करने भी नहीं आते। तो कुछ दिन तक हेनरी वहीं फंसा रहा। ये तो बाई चांस एक बंदा वहां से गुजर रहा था। अब ये भी अच्छी बात है कि हेनरी कुत्ता है, सुअर या बकरा नहीं है, नहीं तो ये हैप्पी मील बन जाता। और हाँ, ये भी कि ये यहाँ है चीन में नहीं, वहां तो कुत्ता होना भी काम ना आता। वो कॉम्युनिस्ट है ना, वो सबके साथ खराब है, हम तो सिर्फ कईयों के साथ खराब है। देखिए, ये बात जानवरों के लिए तो दर्दनाक है ही है, हमारे लिए भी खतरनाक है। क्योंकि कभी आपने किसी सुअर को चिल्लाते हुए सुना हो ना, तो आपको पता है कि रूह कांप जाती है, कलेजा फटने को होता है। और फिर भी जो लोग सुअर को ऐसे मारते हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान सी होती है। और इन लोगों के साथ हमें समाज में रहना है। खैर, हमारी टीम गई और हेनरी को ले आई। इसके पैर में अभी भी शिकंजा फंसा हुआ था। आई, हमने पहले शिकंजा काटा, पर क्योंकि ये इतने दिनों तक शिकंजे में फंसा हुआ था, इसकी हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी और बिल्कुल लटकी हुई थी, हमें इसका पैर काटना पड़ा। फिर हेनरी की रिकवरी शुरू हुई। बहुत ज्यादा इसकी हमारे से दोस्ती तो नहीं हुई, पर हाँ, कभी कभी ऑब्लिगेशन के मारे हमें देख के ये पूंछ हिला देता है। भाई, हमने इसके लिए इतना कुछ किया तो थोड़ा गिल्टी फील करता होगा ना। अब कभी कभी रात को सोने से पहले मैं किताब पढ़ने के बजाय टीवी देख लूं, खासकर कोई ऐसा ड्रग वाला या गैंग वाली मूवी हो जिसमें वॉयलेंस बड़ी रहती है, तो रात को भयानक भयानक सपने आते हैं कि मेरे भी किसी ने हाथ पैर बांध दिए, टेम्पो में डाल दिया, ले जा रहे हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। और ये जो मेरा कभी कभार का भयानक सपना है ना, इन लोगों की रोज रोज की हकीकत है। खैर, हेनरी अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। हमने इसको स्टरलाइज भी कर दिया है, इसको वैक्सीनेट भी कर दिया है। अब अगर इसको अडॉप्ट करने कोई आगे आता है तो इसको हमेशा के लिए एक घर भी मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता तो ये वहीं जाएगा जहाँ से ये आया था। और हमारी प्रार्थना हमेशा इसके साथ ये रहेगी कि भगवान करे कभी ऐसे शिकंजे में ना फंसे जिसमें फंस के इसने अपना एक पैर खो दिया। उससे भी अच्छा ये रहेगा कि लोग ऐसे शिकंजे लगाने बंद ही कर दें जिसमें जानवर फंसते हैं और तड़प तड़प के मरते हैं। देखिए, आज का दौर थोड़ा अजीब है। अगर कोई अत्याचार करके जानवरों पे कुछ बनाता है तो वो बेचना अलाउड है, पर अगर हम इसी अत्याचार को आपको दिखाते हैं तो ये कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। तो हम साफ बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये साफ बात आप तक कब तक पहुँचती रहेगी। तो हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, t.me/peoplefarm। आप वहाँ पे हमसे जुड़िए ताकि हम डायरेक्ट आपसे संवाद कर सकें। जो भी हम बनाते हैं, जो भी हमें कहना है, हम डायरेक्ट आप तक पहुँचा सकें।